प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्षों में विपक्ष ने नकारात्मक भूमिका निभाई है और अगर प्रदेश का हित चाहते तो विपक्ष का जहां विरोध करने का अधिकार है वहीं पर विपक्ष को प्रदेश हित में अपने सुझाव देने चाहिए थे और सरकार नहीं कर पाई तो उसे उजागर करना चाहिए था। लेकिन पिछले 5 वर्षों में भाजपा ने सिर्फ व्यक्तिगत आरोपों और बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति की है। ये शब्द शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने मुलाकात के दौरान कहे। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से प्रदेश में माहौल बिगड़ा है जिसकी जिम्मेदार भाजपा है। सुधीर शर्मा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो भी घटना प्रदेश में होती है उन्होंने इस तरह से सनसनीखेज बनाया जाता है जिससे कि प्रदेश खुद शर्मसार हो और प्रदेश की छवि देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बिगड़े, जिससे इसकी छवि पर भी धक्का लगा है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि वे समझते हैं कि प्रदेश के नागरिकों को समझना चाहिए कि इस तरह के नेता प्रदेश को कभी न्याय नहीं दिला पाएंगे। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में चुनाव सिर पर है और भाजपा आज भी दुष्प्रचार करने में लगी है। वर्ष 2012 में जब प्रदेश में कांग्रेस सत्तासीन हुई थी तब से भाजपा नेता हर दिन ये कहते हैं कि सरकार चंद रोज में गिर जाएगी, लेकिन अब उन नेताओं के पास जनता को देने के लिए कोई जवाब बाकी नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनावों के वक्त भाजपा नेता अपने दुष्प्रचार का उत्तर देने की बजाय झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह में विश्वास रखती है और विश्वास को परखने की समझ रखती है। ऐसे में इन चुनावों में भी भाजपा का दुष्प्रचार कोई असर नहीं करेगा और कांग्रेस का मिशन रिपीट विकास कार्यों के दम पर सफल रहेगा। और डे वन से लेकर जब से आपकी सरकार बनी है भाजपा जो है वो आपके खिलाफ जो प्रचार करती आई और मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगती आई है, उसके ऊपर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये नकारात्मक विपक्ष की तरह भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष जो है निकाले हैं प्रदेश के अंदर। अगर प्रदेश का हित चाहते तो विपक्ष का जहां विरोध करने का अधिकार है वहीं पर विपक्ष को ये भी करना चाहिए कि वो प्रदेश हित में अपने सुझाव दें और जो सरकार नहीं कर पाई उसको उजागर करें। लेकिन पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ व्यक्तिगत आरोपों पर और बहुत निम्न स्तर की राजनीति जो है उन्होंने की है जिससे कि प्रदेश का माहौल बिगड़ा और कोई भी घटना जो प्रदेश के अंदर होती थी उसको उन्होंने इस तरह से सनसनीखेज बनाया जिससे कि प्रदेश जो है वो शर्मसार हुआ, प्रदेश की छवि पूरे देश नहीं बल्कि विश्व के अंदर जो है उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। मैं समझता हूं कि प्रदेश के नागरिकों को ये समझना चाहिए कि इस तरह के नेता जो है वो प्रदेश को कभी न्याय नहीं दिला पाएंगे।